गिलगित बल्तिस्तान में खिजा का मौसम खूबसूरत रंगों से भरा होता है, जो इसे साल का दिलकश वक्त बना देता है। सोना, पीला, सुर्ख और भूरे जैसे रंग खिजा की याद ताज़ा कर देते हैं। ये सुनहरी और सुर्ख दरख्तों के साए अपने मजमूई असर में दरियाए हुंजा पर झलकते हैं। दरिया का पानी नीले और सब्ज रंग का है, जो खिजा के मंजर को बढ़ाता है। इसकी तस्वीरें देख कर बताना मुश्किल हो जाता है कि तस्वीर असली है या हाथों की बनाई हुई। वहाँ अक्टूबर ऐसा महीना है जो मुख्तलिफ फलों से भरा होता है। खुबानी, बेर, सेब, आड़ू और नाशपाती इस मखसूस वक्त में पक रहे होते हैं। करीमाबाद, जिसे बल्तीत या हुंजा भी कहा जाता है, राकापोशी और अल्टर ग्लेशियर्स के अलावा करीमाबाद घाटी और राकापोशी की तरह बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा होता है। स्कर्दू की वादी में कुदरती मीठा पानी, नीली झीलें और राखी पहाड़ हैं। ये सब इस खत्ते में वाफर मकदार में मौजूद हैं। वादी गजर में रंग बिरंगे पानी, दरख्तों, नीले आसमानों और हरे भरे खेतों की सरजमीन एक जन्नत की मानंद है। फंडर वादी और खानपलो वादी शिगर बहुत अहमियत के हामिल है। शिगर में सेब, चेरी, खुबानी और अखरोट के बागात हैं। वादी गोजाल की सरहदें हुंजा और चीन के साथ मिलती हैं। होपर वादी, वादी नगर, वादी यासिन, वादी अस्तोर, गुलमट अपर हुंजा, पासो अपर हुंजा, शिमशाल वादी, वादी चिपरसन, वादी मिसगर, वादी बाइबर, वादी रामा और वादी होशे समेत तमाम इलाके बेहद खूबसूरत और कुदरती खूबियों और मनाजिर से मालामाल हैं। सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। नौ जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, डेढ़ साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, ढाई घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।